तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हमेशा बोलते हैं बचत हो घर में, बचत हो घर में, बचत हो। 200 के पाँच डब्बे कितने का? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपए का पूरा। ये कौन सी गलत साइड आ गया? मैं बिल्कुल भी गलत साइड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। भाई आपके भाई की नींद पूरी है नहीं? ये देखो डार्क सर्किल आ गए क्योंकि नींद पूरी नहीं है भाई। रात सारी मैंने सीरीज देखी और सुबह को कॉल करके किसी लड़के ने उठाया है कि मेरे दोस्त की फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है, तो आप उनके लिए कोई फ्लैट देखें। न्यू लुक। तो ट्रिमर का चार्जिंग खत्म हो गया, तो मैंने कहा यहाँ से काट लिया ट्रिमर का चार्जिंग। चेंज कर लेंगे। तो अभी जाएंगे नजीब के पास, नजीब बैठा हुआ है हमारे वेट में। नजीब के बाद हम संडे है, यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं आज। तो नजीब के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज हम जाएं संडे मार्केट घुमाएं भाई आपको कि क्या चीज़ है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं कभी संडे मार्केट गया नहीं हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। एक्सपेंसिव है आपके लिए या नहीं, ठीक है? तो चलते हैं अभी नजीब के पास। इंस कुछ ऐसे हुए हैं कि मेरी बाइक की हो गई चाबी गुम, तो दूसरी चाबी लगा के देखते हैं इसमें चलती है कि नहीं चलती। ये दूसरी चाबी है, दुआ करो लग जाए यार, नहीं लग रही वे चाबी। इसको लग गई है और अभी हम जा रहे हैं नजीब के पास। मेरे साथ एक अंकल मिले और उनको मैंने लिफ्ट दी और यहाँ पे छोड़ा, तो कसम से इतनी दुआएं दे रहे थे ना कसम। ज़िंदगी का असल मज़ा तो दुआओं में मैं कसम से दुआओं। नजीब को थोड़ा तंग करूँ पर इसने फाइनली मुझे देख लिया, तो इसको बोल रहा हूँ कि नाश्ता करवाए मुझे, नाश्ते के बाद हम मिलते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे है कि सीन्स थे हमारे पराठे के, और पराठे हमें नहीं मिल रहे थे, ठंडे मिल रहे थे, तो हमने कहा कि हलवा पूड़ी खा लेते। नाश्ता आ गया है, अभी हलवा आ रहा है, ये तो पूड़ियाँ और छोले, हलवा आ रहा है, उसके बाद खाएंगे, फिर जाते हैं फ्लैट, ठीक है? चाय शाय पी के, अभी चाय भी दिखाऊंगी भाई, चाय शाय पी के फिर जाते हैं फ्लैट पे। नजीब आया है नजीब। भाई साहब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि फाइनली हम फ्लैट पे पहुँच गए और नजीब को बोल बोल थक गया कि चले संडे मार्केट कोई एक्सपीरियंस करके आते हैं। तो नजीब ने बोला कि नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी तो बोर हो रहे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, उस पर संडे मार्केट भी जाते हैं। 3:30 बज गए, 4 बजे 4:30 तक हम संडे मार्केट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुक उठाई है, ये मैं बुक लेके आया था, ये बुक्स पड़ी हुई है हमारी, पर ये उठा के आया था मैं अपने यूनिवर्सिटी से, द ब्लैक ट्रेडिशन इन अमेरिकन डांस। तो आज हम यही पढ़ेंगे, अभी पढ़ूंगा मैं, वो आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ वो दिल में नहीं लेना। अरे नजीब भाई बैठा हुआ है, नजीब भाई क्या कर रहे हो आप? कौन सा गाना सुन रहे हो? नहीं मतलब तुम फ्लैट में आके हमेशा ये गाने सुनते रहे ना, और काम नहीं है तुम्हें, टेस्टे देना गाने सुनता उसको, इसको जिंदगी का कोई काम है नहीं, बस सिर्फ टेस्टे ही दे देगा और गाने सुनेगा। देखो बंदा खाना पीना होता है, इसको खाना पीना होता है, बंदा टेस्टे दे दे के थक जाता है, फिर गाना सुनता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। आज वैसे भी संडे का दिन है, तो मैंने कहा आज कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, सीधा गाना सुनेंगे। तो नजीब को मैंने बोला है कि संडे मार्केट चलो, ये कह रहा है कि बहुत ख्वारी होगी। पता नहीं तुमने कभी एक्सपीरियंस लिया है संडे मार्केट का? नो ब्रो। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, चल लेते हैं देखते हैं क्या सीन होता है। आई नो कि आप ब्रांड ही पहनते हो, पर आज संडे मार्केट का एक्सपीरियंस लेके आते हैं कि क्या क्या होता है। लेनी कुछ चीजें है नहीं, हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करके आते हैं, कितने में मिलता है। कोई सुना है कि बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा था। लेट्स सी ब्रो, चलते हैं। विल ट्राई। 4:30 बजे तक चलते हैं, ठीक है? यस ब्रो, डन हो गया। अभी गाना सुनेंगे। हाँ तो गाना सुनेंगे, ये गाना ये सुनेगा, मैं अंदर जाऊंगा, व्लॉगिंग कंटिन्यू है, तो सुनते रहे। अबे चुप, व्लॉगिंग करने दे। तो जा रहा हूँ संडे मार्केट, दिखाएंगे आपको। 4:30 बजे तक हम जाएंगे संडे मार्केट और एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ से जाएंगे पैदल, क्योंकि यहाँ से मैं गैलेंट सीमेंट में रहता हूँ और मेट्रो तक मतलब पैदल का ही सफ़र है। वहाँ पे संडे मार्केट देखता हमेशा हूँ और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होती है, पर अभी तक मैंने वो नहीं किया। क्या कर रहे हो ये? नजीब को वॉशरूम आ गई है। नहीं वॉशरूम आया था तुम्हें, तो जाएंगे साथ रहे हमारे। पहले से पहले मैं सोच रहा था कि ये जो अपनी बच्ची हुई है ना, ये मतलब शेप फुल्ली कर लूँ, फुल्ली शेप कर लूँ भाई। न्यू लुक्स, बच्चे हैं अभी, कोई बड़े थोड़ी है कि दाढ़ी शाड़ी रखेंगे, बड़े होके रखेंगे। जब ग्रेजुएशन होगी फिर दाढ़ी रखेंगे, फुल रखेंगे। अभी मैं शेप करूँगा। तो भाई
लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने अपना ट्रिमिंग शिमिंग करवा ली है उसकी, मतलब उसने खुद ही कर ली अपना सेल्फ। तो यू नो अभी हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, देन वी विल टेल हमारे फाइनल रिजल्ट्स। तो हम रखेंगे इसको चार्जिंग पे और अभी मुझे अपना फेस धोना है क्योंकि वो ना स्किन में खुश्की हो जाती है सर्दियों की वजह से। फाइनली फ्रेश होके आ गए हम, तो अभी हम जाएंगे सीधा संडे मार्केट। और संडे मार्केट जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो आपको पहले करनी है। पहले तो अपनी जेब में जो वॉलेट रख रहे हैं वो बड़े ध्यान से रखें, और ऊपर से जो आप फ़ोन है आपके प्रोफेशनल फ़ोन, जैसे कि मेरे पास तीन फ़ोन है, तो मैं जो अपने ये एक व्लॉगिंग वाला है स्टिक लेके जा रहा हूँ, तो ये एक मैं लेके जाऊँगा और बकाया जो फ़ोन से मैं यहाँ पे रख के जाऊँगा, और जो वॉलेट है वो भी मतलब यहाँ पे कुछ पैसे निकाल के यहाँ पे रख के जाऊँगा। लेना तो कुछ नहीं है, मैं भी कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो लेंगे, बट जाएंगे अभी। तो जानी शाह हमारा देख रहा है, मूवी चल नहीं रहा हमारे साथ। जानी शाह चलो यार सो के क्या करोगे, उठो मूवी आके बाद में देख लेते हैं। उठो चलो 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 उठो, तो मूवी देखते हैं बाद में, पहले चलते हैं संडे वार गीड। फ्रेंड्स को दिखाएंगे संडे मार्केट में क्या क्या होता है भाई। आ रहे हैं गुलशन वाली संडे मार्केट, और आप जहाँ भी आपके पड़ोस में कहीं भी लग रही है संडे मार्केट, तो अक्सर जो रेट हैं वो सेम ही रहते हैं। फाइनली हम ब्रिज पे पहुँच गए, और जो ये रश देख रहे हैं ना आप, ये सिर्फ और सिर्फ संडे मार्केट की वजह से है, और यहाँ पे कोई जलसा वलसा नहीं है, संडे मार्केट की वजह से रश है। तो संडे मार्केट चल के मिलते हैं। फाइनली हम पहुँच गए संडे मार्केट के गेट पे, यहाँ पे एंट्रेंस है अंदर जाने की। ये भाई स्टार्टिंग का माहौल, वेलकम टू संडे मार्केट, बिल्कुल बराबर में है, पता नहीं क्या क्या सीन है, सीन्स बहुत मुश्किल है यहाँ पे। इस देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जेब कट सकती है, तो ख्याल से घूमना होगा। क्या फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स, ये सब्जी वगैरह शायद सस्ती मिलती है बाहर से, चार नाड़े 100 रुपए के मिल रहे हैं, चार नाड़े लेने हैं तो ले लो। इतने भी क्या चीज चॉइस किए जाके पूरी संडे मार्केट में जाके नाड़े का बाजार चल रहा है। कितने का? 200 के 5 डब्बे 200 के 5 डब्बे टिश्यू के भाई, मतलब 200 के 5 कितने का हुआ, एक 40 का है ना। अरे आना चाहिए इधर, मैं 150 का रोज पेटे डब्बा देता हूँ, टिश्यू का डेली खत्म हो जाता है। हाँ तो समझ रहे, 200 के 5 टिश्यू ले लो पागल, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 150 रुपया देगा लेगा। आगे भी आपको दिखाते हैं जो हमें नजर आया, क्या आएगा नजर, इतनी गरीब से मत लिया करो प्यार। टिकट मिल रहे हैं 500 के 2, कोई भी उठा लो भाई, सारा स्टॉल आपका है, सारे स्टॉल लड़ रहे हैं हमसे। तो ये स्टॉल पड़ा हुआ है पूरा, ये भी मतलब ऐसे समझो 150 200 150 200। कितने का? 100 रुपया का पूरा, मतलब सर्दी गर्मी करके नहीं देगा, धोबी धोक के नहीं देगा 100 रुपए में। क्या डायलॉग है भाई, 100 रुपए का एक, 100 रुपए का एक, एक को 100 रुपए का एक। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं भाई, बेटर ये बेबी पजामास पड़े हुए हैं, 100 रुपए का। ये पड़ी हुई है कंघी शंगिया, ये धागे वगैरह, जो भी चीज़ें हैं सारी बेसिक घर की चीज़ें सारी यहाँ पे, यहाँ पे और लगे हुए हैं अंदर। चलते हैं किसी के साथ, किसी से पूछते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, हम सुहाना सलवार सूट पे, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें कुछ महंगा ही मिल रहा है भाई, तो किसी और पे देखते हैं, लेना तो वैसे नहीं है मतलब आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कोटी छोटी हम पड़ी हुई है, फिटनेस की वो भी पड़ी हुई है सामने ना, वो क्या बोलते हैं उसको, शर्ट पड़ी हुई है, शर्ट पड़ी हुई है लिवाइस की, हिल फिगर्स की, हाँ ये लिवाइस आउटफिटर्स सारे ब्रांड पड़े हुए हैं, एडिडास की होते हैं, मतलब ये होते हैं जो यूनिवर्सिटी में लोग हमें पागल करते हैं कि आउटफिटर की शर्ट पहन के आए और लिवाइस की पहन गया, तो ट्राउजर भी बेस्ट पड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या प्राइस है इनके चाचू? अच्छा मुख्तलिफ रेट है इनके, क्या रेट है? 850 स्पॉट जो है, ट्राउजर भी बड़े पड़े हुए हैं, शर्ट जो है 750 की हुडी, 950 और 1250। अच्छा 950 और 1250 की हुडी, 1250 की हुडी है, एंड बेस्ट बेस्ट स्टॉल इन संडे मार्केट, तो न्यू लग रही है, बिल्कुल भी न्यू है। हाँ टैक्स ज़्यादा ही लग गया, हाँ पर फिर भी महंगाई के हिसाब से। वैसे ही आउटफिटर में हुडी में यही मैं देख के आया था, जो मैंने पहले उसमें ली थी 8,500 की या कुछ 7,500 की, ऐसे 150 ये यूनिफॉर्म स्कूल की 150 रुपया सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये, जो फॉर्मल ड्रेसें होती हैं
150 में एक शर्ट। चलते हैं हम शूज वाली साइड, वहाँ साथ सीधे। यहाँ पे लड़कियों के सामान पड़े हुए हैं, लड़कियों का स्टॉल पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पे पजामे शजामे भाई ये सीन है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी सस्ते होंगे, मतलब बाहर की मार्केट से बिल्कुल भी सस्ते हैं। यहाँ पे घर की चीज़ें यार देख लो कपड़े पे, तो यहाँ पे भाई घर की चीज़ें जो भी हैं वो इस लाइन में पड़ी हुई हैं लास्ट वाली में, और आगे बेहतर है पर मेरे लिए नहीं। तो भाई ये सीन है, ये घर के सामान हार्ड पार्ट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। ये ना मुझे यूनिवर्सिटी में पहचानी हुई लग रही है, मैंने किसी को देखी थी शायद स्वेट शर्ट, स्वेट शर्ट नहीं नहीं यूनिवर्सिटी में किसी और ने स्वेट शर्ट पहनी थी, लड़कियों की है। मैंने किसी लड़की मतलब लड़की जो भी वो देखेगी ना वो खुद समझ जाएगी कि कौन पहन गया है। चलो चलो ये कौन सी गलत साइड आ गया, मैं बिल्कुल भी गलत साइड। लड़कियों के सामान पड़े हुए हैं, ये सीधा मतलब रिंग्स वगैरह जो भी होते हैं सस्ते में सस्ता वाल, ये पर्दे वगैरह पड़े हुए हैं। अभी हम आए शूज़ लेने, यहाँ पे शूज़ लेने तो नहीं आए, दिखाने आए हैं शूज़ वाली साइड आ गए। तो ये पड़े हुए हैं शूज़ ब्रांडेड है ना, अच्छे शूज़ है ना, कितने का है एक कौन सा वाला? ये वाले, ये जो पड़े हुए हैं लाइन में 1500 का। हाँ 1500 का एक है, मतलब किस रकम से स्टार्ट होता है किन से ख़त्म होता है? हा? कौन सी रकम से स्टार्ट होता है कौन भी ख़त्म होता है, कितने कितने तक का है? हाँ 1000 से 700 तक, 3000 से 700 तक। यहाँ पे स्टॉल पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे शूज़ वगैरह शूज़ बेहतर है पर हम मॉल से ही खरीदेंगे भाई। शूज़ बेस्ट मतलब पहनने के लायक है, 4-5 हफ्ते आपके निकल जाएंगे, उससे भी ज्यादा। मैंने किसी को पहनते हुए देखा था ये तुमने ही पहना था। ये जो वाइट शूज पड़े हुए ना ये वाले, ये हमारी क्लासमेट्स पहनती थी एजुकेटर्स में, अगर वो तुम देख रही हो तो यहाँ से देती थी पता नहीं कहाँ से। और यहाँ पे बेहतर है, और ये यू नो और अपने वो हैं शूज़ हैं, अभी आपको दिखाएं, अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं क्या क्या मतलब है। यहाँ पे शूज़ हैं, रश चेक कर भाई, रश चेक कर, रश पा देनी है, रश पा देनी है। ये देखो पूरा रश पे भरा हुआ है, निकलने से ही तकलीफ हो रही है, बाहर कैसे जाए अभी। इतनी मस्जिद में रश नहीं होती जितनी यहाँ पे शूज़ के स्टॉल पे लगी हुई है। यहाँ पे जितनी रश है इतनी मस्जिद में नमाज के लिए भी नहीं होती। चप्पल भी पड़े हुए हैं 150 रुपये के, जिसको लेने आके ले लें। ये मोज़े पड़े हुए हैं 100 रुपये के, जिसको लेने ले लें। आए हुए हैं पर्दे के इंस्टॉल पे, स्टॉल पे, तो यहाँ पे 1000, 1200, 1500 तक के पर्दे हैं, बिल्कुल ही मतलब न्यू कंडीशन में है, यूज़ वगैरह नहीं हुए, न्यू कंडीशन में 1000, 1200, 1500 तक। ये भी सस्ते मिल रहे हैं भाई, बाहर से बाहर के रेटों से बिल्कुल भी मुख्तलिफ और अच्छे रेट में मिल रहे हैं मेरे हिसाब से। समोसे वगैरह पड़े हुए हैं, टॉवल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे पर्दे फिर से पड़े हुए हैं, फिर पर्दे टॉवल्स, और यहाँ पे कालीन वगैरह जो हैं कालीन भी पड़े हुए हैं, चादर वगैरह कालीन सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। कारपेट वारपेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, तकिए पड़े हुए हैं, उसके बाद जो वो होती है सवड़ियाँ होती हैं वो पड़ी हुई हैं, क्या बोलते हैं ये पड़े हुए हैं कारपेट, ओरिजिनल कारपेट भाई, ओरिएंटल कारपेट। अचार बड़ा हुआ है, अचार शचार, और ये टॉफ़ी चॉकलेट्स, और इसके बाद खिलौने सब्जियाँ सारा कुछ मिलेगा भाई यहाँ पे, सब्जियाँ, उसके बाद चिप्स वगैरह, हाँ चिप्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। शैम्पू पड़े हुए हैं, शैम्पू पड़े हुए हैं जो काम आते हैं ना रात को आपको लोगों को काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, किस काम आते हैं शैम्पू वगैरह? भाई लगाते हैं सर्वर पे नीचे। अच्छा उस काम के। हाँ। गुड़ और जो मिर्चें हैं वो साथ में रखी हुई हैं स्टॉल में, और यहाँ पे गत्तियाँ शद्दियाँ पड़ी हुई हैं भाई, ऊपर से यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, किसी को डेट के लिए लेने हो तो यहाँ से ले ले, और तेल वगैरह हर चीज़ें, मिर्ची वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे भाई। तो अभी हमने ये चॉकलेट बाय कर दिया, हमारा वीडियो अलॉट नहीं थी क्योंकि एक्सपायर चॉकलेट होते हैं भाई, तो इसलिए वो 20 रुपये में चार देख रहे हो, तीन चॉकलेट ठीक है, तो मतलब नहीं 20 रुपये में 50 में चार, तो जो भी है, तो ये हमेशा तीन चॉकलेट 50 रुपये में चलो सही है। ये हो गया हमारा संडे मार्केट का ओवर व्यू, बेसिक विजिट हो गया हमारा ऊपर से, निकलने की जगह और हम निकलेंगे यहीं से भाई, हमें नहीं आना फिक्र। ऐसे लोग भी संडे मार्केट में आते हैं, रिबो रिबो भाई, यहाँ पे भाई परिंदे शरिंदे भी मिलते हैं,
वहाँ पे चूजे परिंदे ये सस्ते में। भाई होके आए हम संडे मार्केट से, और सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब, अभी लगे हमें भूख खाना छाना के लिए। तो अभी हम जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद लेंगे, मतलब पहले लेंगे फिर फ्लैट पे जाएंगे फिर खाएंगे पिएंगे। भाई ऐसे तो नहीं खा सकते। तो आगे अंदर चल के मतलब फ्लैट पे चल के सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, रोड पे क्या बताऊँ आपको। समझ लेने आए हो मेरे शाह, ये पच्ची पच्ची बम्बई बेकरी काट ली है, एंड ये हमारे समोसे वाला मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर गया है वो भाग के। समोसे वाले किधर गया यार? हाँ हाँ तीन। अरे भाई ये बहुत ही अच्छे हैं, समोसे बिल्कुल भी फ्रेश देते हैं। भाई लोग जा रहे हैं अपने फ्लैट पे अपने समोसे वमोसे ये मेरे साथ ले लिए हैं, हर चीज़ हमने जो है खाने पीने के ले लिए। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लैट पे, बाकी बातें करते हैं आपको चल के ऊपर, आपको बताते हैं संडे मार्केट कैसी थी कैसी नहीं थी। तो अभी मैं समोसे खा रहा हूँ, यम्मी जबरदस्त मज़ेदार। तो आज का मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल आइकन दबा रहेंगे तो आपको पूरी कराची का विजिट करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।